अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर फरीद कुमार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। औरतें डिफरेंट तरह की क्रीमें इस्तेमाल करती हैं रंग गोरा करने के लिए, और उनकी क्या डिमांड होती है कि हमें ओवरनाइट जो है ना वो रिजल्ट मिले, कि हम रात को क्रीम लगा के सोएं, सुबह उठ के हम ऑल टुगेदर चेंज हो जाए हमारी स्किन कॉम्प्लेक्शन जो है। अब उनको इस चक्कर में जो उनकी रिसर्च होती है या रिकमेंडेशन होती है वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, जिस वजह से ज़्यादा चांसेस हैं कि उनकी स्किन जो है वो ख़राब होती है। अब इस चक्कर में कि उनकी जो स्किन है वो ओवरनाइट ग्लो करे या फेयर हो, वो फिर इस तरह की क्रीम्स यूज़ करती है जिनका नुकसान होता है। अब क्योंकि अट्रैक्शन तो इस बात में बहुत ज़्यादा है कि आप दो दिन ये क्रीम लगाएं, आपको जो रिज़ल्ट है रिक्वायर्ड वो आपको दो दिन में मिल जाएगा। अब खवातीन अट्रैक्ट होती है इस चीज में। अब इन क्रीम्स का लगाने का नुकसान बहुत ज्यादा है। नुकसान क्या होगा? नुकसान ये है कि आपकी जो जिल्द है उसको ये रेड कर देंगे। कई खवातीन इसको देख के खुश हो जाती हैं रेडनेस को, कि इससे तो रेडनेस भी हो रही है, मतलब स्किन ग्लो भी हो रही है और फेयर भी हो गई है, तो ये तो क्रीम बड़ी अच्छी है। जब एक से दो हफ्ता गुजरता है, ऊपर वाली लेयर जब वो उतरती है स्किन की, तो तब उनको पता चलता है, क्योंकि तब स्किन डल होती है। और एक सबसे बड़ी चीज जो छोड़ती है पीछे इस तरह की क्रीम्स, वो छोड़ती हैं फ्रैकल्स, मिलाजमा छाइयां और डार्क स्पॉट्स। अब मैं आपको एक बात बताता चलूं कि जो स्किन जिनकी होती है डल वो ठीक हो जाती है, जिनको एक्नी होती है वो भी ठीक हो जाती है, लेकिन जिनको छाइयां होती हैं या फ्रैकल्स आते हैं ना स्किन पे, वो बड़ा टाइम लेते हैं ठीक होने तक। और उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है ठीक होने के लिए वो बड़ी स्ट्रिक्ट सी होती हैं, और आम सी कोई क्रीम यूज करें उससे उनको फर्क भी नहीं पड़ता। अब खवातीन क्या करती हैं, एक दफा स्किन उनकी अगर खराब हो गई है, वो फिर खुद ब खुद कोई ना कोई सर्च करके तो स्किन के ऊपर वो अप्लाई करती जाएंगी। हालांकि जब एक दफा स्किन खराब हो जाए तो दो तीन माह लगते हैं उसको रिपेयर होने के लिए, वो सेल्स नए बनेंगे, वो दोबारा सेल्स रिपेयर होंगे तो उन पे वो बिल्कुल ठीक होंगे, आपके नॉर्मल कंडीशन में आएंगे। अब क्योंकि उनका जो पहले ही खराब है उसके ऊपर और चीजें अप्लाई करेंगे इंस्टेंट वाली, वो फिर डल से डल और खराब होता जाएगा। तो अब मैं आपको इसका हल बताता हूँ, इसका क्या हल है। मैं आपको एक क्रीम दिखाता हूँ, डी माल फेड आउट क्रीम। ये आम मार्केट में अवेलेबल, आप किसी भी अच्छी फार्मेसी से ले सकते हैं। इसका क्या फायदा है? अब इसमें दो तीन जो एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं वो आपकी कॉम्बिनेशन को, क्रीम को इस तरह का बना देते हैं कि वो स्किन फ्रेंडली बन जाती है, आपको इसका नुकसान नहीं होता। और बड़ी बात ये है कि ये 4 से 6 हफ्ते में आपको रिजल्ट शो करती है, जो कि आप कहते हैं कि ओवरनाइट रिजल्ट मिले, मेरे ख्याल से ऐसी कोई क्रीम है जो आपको ओवरनाइट रिजल्ट दे वो आपकी स्किन खराब करती है। आपने थोड़ा सा सब्र रखना है, ठीक है, आप ये क्रीम लगाएं, आपको मिलाजमा या जितनी भी छाइयां हैं, ठीक है, जितनी गहरी छाइयां हैं आपकी, वो इससे कवर हो जाएगी। और इसकी बात ये है कि ये आपने अप्लाई कैसे करनी है, आपने इसको रात के टाइम अप्लाई करना है, ठीक है। सुबह अगर आपने लगानी है तो सनस्क्रीन आपने लगानी है, उसके बगैर नहीं, आपने सन से अपनी स्किन जो है ना एक्सपोज करनी, उससे क्या होगा, उससे आपको बजाय ठीक होने के नुकसान होने के ज्यादा चांसेस हैं। और जो कुकिंग करती हैं फीमेल्स, तो उनका भी एक ये है कि अगर वो कुकिंग करनी है तो क्रीम लगा के ना करें, और वैसे नॉर्मल कंडीशन में क्या करें कि जो सन ब्लॉक है अच्छे वाला, कोई एसपीएफ 60 में हो, वो लगा के अपना हीट से एक्सपोज हो, ताकि उनके जो सेल्स हैं वो डैमेज ना हो, अगर वो क्रीम यूज करनी है तो उनका उनको फायदा हो। तो मेरी सुजेशन क्या है कि आप ये क्रीम इस्तेमाल करें, आपकी जितनी मर्जी गहरी छाइयां हैं वो इससे क्लियर होंगी, और ये इतनी महंगी भी नहीं है, मार्केट में इजीली अवेलेबल है, 775 रुपए की ये आपको मिल जाएगी मार्केट से। आप इसको इस्तेमाल करें और आप फिर बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको इससे फायदा हुआ है कि नहीं हुआ।